और तस्वीरें इस वक्त आपको नजर आ रही हैं। हेमंत सोरेन को मिली जमानत के बाद इस वक्त ये तस्वीर सामने आने लगी है जहां पर जेएमएम के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है और इसके साथ ही ये बड़ी राहत हेमंत सोरेन को मिलती हुई नजर आ रही है। लगातार उनकी तरफ से कवायद की गई और यही वजह रही थी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी भी हेमंत सोरेन की गई थी, उनकी तरफ से इस्तीफा दे दिया गया था और उसके बाद हेमंत सोरेन को अब राहत मिली है, जमानत मिली है। और जमानत की एक तस्वीर है, जमानत मिलने के बाद जब जेल से बाहर आए हैं हेमंत सोरेन, झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी राहत हेमंत सोरेन को और जेल से बाहर आए हेमंत सोरेन जिनकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने थी। पहली तस्वीर जेल से निकलने के बाद हेमंत सोरेन की दिखाई दी, 5 महीने के बाद हेमंत सोरेन को राहत मिली है और झारखंड हाईकोर्ट से जमानत हेमंत सोरेन को मिल गई, जिसके बाद जेल से बाहर आने के बाद की ये तस्वीरें हेमंत सोरेन की। तो देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जेल से हेमंत सोरेन इस वक्त बाहर आ चुके हैं और हेमंत सोरेन के वापस आने के बाद की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ये जमीन घोटाला रहा है झारखंड का चर्चित, जिसमें रांची के बड़गाई अंचल में 8.5 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीदारी करने का ये मामला था। आपको याद होगा कि ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई थी और हेमंत सोरेन को बीते 31 जनवरी को 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था और इसके बाद से लगातार वो जेल में बंद हैं। इसी मामले में अब तक कुल 23 लोगों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। ये झारखंड का चर्चित जमीन घोटाला रहा जिसने हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ाई थी और उसके बाद अब राहत हेमंत सोरेन को मिली है। झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से उनको जमानत दे दी गई है, जिसके बाद जो प्रक्रिया थी वो पूरी हुई। और ये देखिए तस्वीरों में आपको हेमंत सोरेन नजर आएंगे, जेएमएम कार्यकर्ता आपको आसपास नजर आएंगे और ऐसे में हेमंत सोरेन को इस राहत का एक लंबे वक्त से इंतजार था। ये मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ था, जिसमें हेमंत सोरेन की तरफ शक की सुई गई थी और तीसरे गिरफ्तारी हेमंत सोरेन के रूप में हुई थी, जिसके बाद उनकी तरफ से पहले इस्तीफा दिया गया, ईडी ने पूछताछ की थी। ये देखिए अब आपको हेमंत सोरेन इस वक्त नजर आ रहे हैं। हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले और उसके बाद की ये तस्वीरें, जेल से रिहाई हेमंत सोरेन की हुई है, ईडी ने उनसे पूछताछ की थी और जमीन घोटाले का ये मामला जिसमें पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। कई बार उनको समन जारी हुए, फिर उसके बाद जनवरी में 2024 में ही उनकी गिरफ्तारी हुई थी और अब जेल से बाहर आए हैं, राहत मिली है झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से और इस राहत के बाद जेल से बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन की ये तस्वीर आपके सामने है। बार बार शिखा समन भेजे गए, पूछताछ के लिए बुलाया गया लेकिन पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे और आखिरकार ईडी ने पूछताछ के बाद फाइनली हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था, लेकिन अब जमानत के तौर पर एक बड़ी राहत हेमंत सोरेन के लिए है। जाहिर है पूर्णिमा, ये तस्वीरें भी इस समय झारखंड से मिल रही है जहां जेएमएम के कार्यकर्ता इस समय जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी टाइमलाइन गिरफ्तारी की क्या रही है, जब समन मिला और उसके बाद जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई, उस समय सीएम पद पर ही वो थे और तभी उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। हालांकि ये पूरा टाइमलाइन जो है वो लंबा जरूर है क्योंकि बार बार समन हेमंत सोरेन को दिए गए लेकिन बावजूद इसके वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए और फिर ईडी की तरफ से उनकी गिरफ्तारी की गई। हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार ईडी की टीम ने किया और आज उन्हें जमानत मिली है। तो फिर जाहिर है जमानत के बाद की ये तस्वीर जेएमएम के कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए इस समय झारखंड में नजर आ रहे हैं। हेमंत सोरेन की रांची जेल से रिहाई हुई है, उन्हें जमानत पर बाहर वो आए हैं और ऐसे में हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद जेएमएम के कार्यकर्ताओं के बीच जश्न का माहौल है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें गाड़ी से घर की ओर रवाना होते हुए हेमंत सोरेन आपको नजर आ रहे हैं। हेमंत सोरेन की ये तस्वीर भी आप देखिए, अपने कार्यकर्ताओं को का अभिनंदन स्वीकार करते हुए वो नज़र आ रहे हैं, जो हाथ वेव कर रहे हैं, वो ये जेस्चर दे रहे हैं क्योंकि जेएमएम के जो कार्यकर्ता है वो लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे थे, साथ में पत्नी भी उनकी मौजूद हैं और जाहिर है प्रिया ये खुशी का पल है क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा टाइमलाइन रहा, हमने देखा ईडी की टीम सर्च अभियान चला रही थी उनको लेकर, फिर उनकी गिरफ्तारी हुई है, ऐसे में जेएमएम के कार्यकर्ताओं के बीच खुशी का माहौल और देखना दिलचस्प ये होगा कि झारखंड की सियासत में आगे होता है क्या। 8वीं बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था, नहीं पहुंचे, फिर सीएम आवास पर पूछताछ हुई और उसके बाद राज्य के होटवार जेल में वो बंद थे, सीएम पद की कुर्सी चली गई, वहां पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन कुल मिलाकर के आज जेएमएम के लिए एक अहम दिन है।
हेमंत सोरेन की रांची के होटवार जेल से रिहाई हो गई है। ये जो पूरा मामला है वो बड़गई अंचल के सेना की जमीन पर कब्जे को लेकर के था और इस पूरे मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कई सारे आरोप लगे जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है। हालांकि बीच में आपको याद होगा कि हेमंत सोरेन को थोड़ी राहत जरूर मिली थी जब वो अंतरिम जमानत पर बाहर निकले थे कुछ वक्त के लिए, अपने पिता से वो मिलते हुए नजर आए थे शिबू सोरेन से, और बहुत भावनात्मक तस्वीर थी। उसके बाद आपको याद होगा कि कैसे वो विधानसभा पहुंचे थे। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा और पूरी की पूरी महागठबंधन, इस वक्त झारखंड की अगर बात करें तो महागठबंधन की सरकार है। सबसे अहम हेमंत सोरेन की रिहाई इसीलिए अहम हो जाती है इस टाइम में क्योंकि झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। कहा जा रहा था कि कल्पना सोरेन को एक तरीके से आगे किया जा रहा है, लेकिन अब हेमंत सोरेन के बाहर निकल जाने से झारखंड की राजनीति पर जाहिर है असर पड़ेगा। धनंजय मंडल हमारे साथ, हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। धनंजय, एक बड़ी राहत परिवार के लिए, जेएमएम के लिए।